नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मार्केट का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, लेकिन मार्केट जितनी तेजी से गिरती है उतनी तेजी से बढ़ती नहीं है, या यूं कहिए आपके शेयर उस तेजी से नहीं बढ़ते। मान लो कि एक शेयर का रेट 700 रुपए था और अब 500 रुपए हो गया, तो उसको 700 रुपए जाने तक समय लगेगा। मार्केट के द्वारा उस पोजीशन में आने को, जब यूं कहें कि शेयर जो गिर जाते हैं उनको अपने पहले वाली जगह पर आने को समय चाहिए। अगर मार्केट 25% गिरती है तो 25% अगर राइज भी कर जाएगी तब भी आपके शेयर उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते, तो क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। तो इसका एक तरीका, बेहतरीन तरीका है, वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सभी लोग बेच रहे हों तो आपको खरीद लेना चाहिए, जब मंदी हो ये एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए और आपको फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते मिल रहे हैं उस समय। मार्केट के दो रूल हैं। पहला रूल है कि मार्केट गिरती जरूर है, बहुत बार गिरी है मार्केट, कोई एक बार क्रैश थोड़े हुई है, कई बार हुई है। रीजन कोई भी हो, रीजन तो नेचुरल है कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। रूल नंबर दो, गिरने के बाद मार्केट उठती जरूर है। यह हिस्ट्री गवाह है BSE की कि जब भी ये मार्केट गिरी है तो उससे ज्यादा जोर शोर से मार्केट चली है, तभी तो आज 84,000 तक पहुंच गया इंडेक्स। तो इसलिए लोगों की इन्वेस्टर में, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए, उनको घबरा के अपना माल नहीं बेचना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो शेयर लाए हैं वो बैटरी बनाने वाली एक बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, 3 वर्ष में 1200 रुपए तक का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, फोरकास्टिंग बहुत ऊंची है, पोर्टफोलियो शेयर है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमारे वीडियोज उपयोगी नहीं होते। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे बनाए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है, और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर भी कीजिए। तो आज हम बात करेंगे HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयर पर, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयर पर। हम इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल जो समझेंगे और साथ ही प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। यह कंपनी 1983 में निगमित हुई थी। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड विभिन्न प्रकार की बैटरियों, मोबाइलिटी और अन्य उत्पादों के निर्माण और सेवा में लगी हुई कंपनी है। इसके वर्टिकल्स देखते हैं, ए इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी के प्रमुख उत्पाद है सुरक्षा के लिए TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको कवच भी बोलते हैं, और कुशल ट्रैक उपयोग के लिए ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम TMS है। रक्षा, कंपनी लड़ाकू विमान, मानव रहित हवाई वाहन, पनडुब्बियां, प्राणोदेत प्रणाली, टारपीजर, युद्धक टैंक, मिसाइल, आर्टिलरी फ्यूज के लिए बैटरी बनाती है। बैटरी कंपनी दूर संचार, UPS, रेलवे, सौर, तेल और गैस और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक बैटरी प्रदान करती है। प्योर लिथन प्लेट बैटरी, कंपनी मौजूदा और आने वाले डेटा सेंटर के लिए PLT बैटरी की आपूर्ति के लिए ST टेली मीडिया की भागीदार है। कंपनी ने भारतीय सेना को युद्धक टैंक इंजन क्रैकिंग एप्लीकेशन के लिए PLT बैटरी की आपूर्ति की है। कंपनी की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 5 विनिर्माण इकाइयां हैं।
कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व को निर्यात करती है। 18% तक का राजस्व इसका निर्यात से आता है। कंपनी ने के बहुत से वर्टिकल हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ज्यादा कुछ छोटे वीडियो में बताना मुश्किल है। तो हम केवल यह कह सकते हैं बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। हमारी टीम बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। बाजार का आकार है जो 16,840 करोड़ है, अच्छी खासी कंपनी है। स्टॉक पीई 51 है, डिविडेंड 0.08% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 34.40% है, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहा जाएगा। कैपिटल पर रिटर्न है जो 34.40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.70% है, लगभग 28% है, इसे भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। फेस वैल्यू 1 रुपया है, 0 डेट कंपनी है, यह इसका बहुत बड़ा प्रॉस है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 66.10% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, यह बहुत ही अच्छा प्रॉस है। यह भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी जो इसको 115 दिन के लिए चाहिए होती थी, अब 82 दिन के लिए चाहिए, यह भी इसका बहुत बड़ा प्रॉस है। इससे इंटरेस्ट की बचत होती है। इस कंपनी का कोई कॉन्स्टेंट नजर नहीं आया हमें। यू मे ट्रीट कॉन्स्टेंट एज जीरो। बॉश यूनोमिंडा इसकी पेयर कंपनी है। बॉश 50 की पी पर, यूनोमिंडा 63 की पी पर मिल रहे हैं। कंपनी ने क्वार्टर वन FY25 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ और एक पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर में भी कर लेते हैं। सेल है जो 467 करोड़ थी जून 23 में, मार्च 24 में 610 करोड़ हो गई। जून 24 के अंदर 520 करोड़ है। अगर आप जून 23 से पिछले क्वार्टर कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर से देखेंगे तो 467 से 520 करोड़ हो गई, लेकिन मार्च 24 में 610 करोड़ थी, जो कम हुई है 520 करोड़ रहेगी। ओपीएम 17% था जून 23 में, 22% हो गया मार्च 24 में, जून 24 में भी 21% है, तो मार्जिन तो बड़ा है, 4% बड़ा है, 17 से 21% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 52 करोड़ था जून 23 में, 81 करोड़ है मार्च 24 में, और जून 24 में भी लगभग 80 करोड़ है, और सेम ही आप कहेंगे कोई फ्लैट है नेट प्रॉफिट। तो उसका रीजन है कि इसने एक तो खर्चा कम किया है इस बार कंपनी ने, एक्सपेंडिचर पे बहुत कंट्रोल है कंपनी का। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि इसका मार्जिन बड़ा है। पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं इसके। 3 साल की CAGR सेल 35% है और प्रॉफिट ग्रोथ तो 160% है 3 साल की कंपनी की, तो इससे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है। 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, जो अब बढ़ गई है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस 137% है, जो FDR पे 6-7% मिलती है, जिसे वो भी CAGR होती है, और ये 137% है। बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है जो इसकी वो 28 करोड़ है, रिजर्व 1183 करोड़ है, और 1183 करोड़ 28 करोड़ की शेयर कैपिटल पर बहुत अच्छी बात है। बोरिंग 67 करोड़ है, डेट फ्री कंपनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी है 108 करोड़ की। तो दोस्तों बहुत अच्छा इसने दिए रिजल्ट्स और इसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। अब हम इसका कैश फ्लो है जो वो +91 करोड़ है, हेल्दी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 59.11% है, FII 4.66% है, DII 1.7% है। अच्छी FII और DII की अच्छी भागीदारी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का, ये बैलेंस शीट में विश्वास जताता है। पब्लिक के पास 35.17% की ही इक्विटी है। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। आज दाम 605 रुपये हैं, 52 वीक हाई एंड लो 685 रुपये और 211 रुपये है। पी 55 है और सेक्टर पी 38 है, जबकि इसकी पीयर
कंपनी भी महंगे दामों पे मिल रही है, कोई खास बात नहीं है। फ्यूचरिस्टिक शेयर है, अच्छी ग्रोथ वाला शेयर है। लिथियम में गिरावट की वजह से सेल में तिमाही दर तिमाही कमी आई है। लिथियम के दाम कम हो गए तो नेचुरल है कि बैटरी सस्ते में बिकेगी, तो उसकी पर यूनिट अगर बढ़ भी जाए तब भी जो उसकी सेल का जो टर्नओवर है वो कम निकलेगा। लेकिन मार्जिन बढ़ा है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल में है, बहुत अच्छे क्वार्टर वन रिजल्ट्स हैं। जल्दी 700 रुपए तक जा सकता है, 3 महीने में 23%, 1 वर्ष में 167% और 3 वर्ष में 1200% की रिटर्न दी है, बहुत अच्छी रिटर्न दी है। 5 वर्ष में तो 3162% की रिटर्न है। इस शेयर को कोई भी विश्लेषक कवर नहीं करता। BSE कोड 517-271 है, 517-271, 517-271। इज इट गुड टू बाई HBL पावर, ये मैं आपकी तरफ से क्वेरी पूछ लेता हूं। मार्केट्स मोजो हैज गिवन बाई कॉल फॉर कंपनी विच हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल एंड आउट परफॉर्मिंग इट्स सेक्टर। तो दोस्तों ये तो अच्छा ही बोल रहे हैं सभी लोग इसको, तो इसकी 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 741 रुपए है, 5 वर्ष की 1283 रुपए है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है, शानदार शेयर है, शानदार सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, 2 साल में 1400 रुपए तक जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और दोस्तों आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।